श्री हरिकोटा की तरह तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में भी भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट बनने जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये स्पेस रिलेटेड कामों को साउथ इंडिया में ही क्यों किया जाता है? मतलब नॉर्थ इंडिया के लोग पढ़े लिखे नहीं होते क्या? तो बात पढ़े लिखे होने की नहीं है, बात है पोजीशन की। इन सैटेलाइट्स को धरती से लॉन्च करके जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाता है जो कि इक्वेटर से ठीक ऊपर होता है। मतलब आप रॉकेट को कहीं से भी लॉन्च करो, उसको घूम फिर के इक्वेटर के ही ऊपर सैटेलाइट्स को छोड़ना रहता है। इसलिए सारी स्पेस एजेंसीज अपने स्पेस पोर्ट को इक्वेटर के जितना करीब हो सके उतना करीब बनाती हैं, और ऐसा करने से स्पेस कंपनीज के करोड़ों रुपए बचते हैं। इसीलिए भारत में उसी लोकेशन पे स्पेस पोर्ट को बनाया गया है जो इक्वेटर के करीब है, और नासा, स्पेसएक्स और जितने भी बड़ी स्पेस कंपनीज हैं वो भी अपने रॉकेट को इक्वेटर के पास से लॉन्च करती हैं। पर जाते जाते मेरा सवाल ये है कि रशिया तो इक्वेटर से बहुत दूर है, इसलिए वो किसी और देश से अपने रॉकेट्स को लॉन्च करता है, क्या आप उस देश का नाम जानते हैं?